सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सल्लू भाईजान की, हमारे सलमान खान भाई की। तो भाई जिनकी सारी मूवी 200, 300, 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने चूतिया खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है बहन चो बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है देखनी है तो देखनी है। बिग बॉस OTT में इस बार के वीकेंड का वार के बाद जब से सलमान खान ने एल्विश यादव की क्लास लगाई है, तभी से कुछ लोग सलमान खान का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं एल्विश यादव की आर्मी सलमान खान को टारगेट करते हुए ये कहती नजर आ रही है कि सलमान खान ने एल्विश यादव से 4 साल पुराना बदला लिया है। लेकिन दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था 4 साल पहले जिसके चलते अब सलमान खान एल्विश यादव से बदला ले रहे हैं। देखिए इस वीकेंड का वार पर सलमान खान एल्विश यादव से कहते हुए नजर आए थे कि क्या तुम्हारे फैन जिसको तुम तुम्हारी फैन आर्मी बोलते हो, क्या तुम्हारे कहने पर तुम्हारे लिए 500 रुपए डोनेट कर सकते हैं। जिस पर एल्विश कहते हैं कि नहीं मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि जब बात ही कोई और थी, कॉन्टेक्स्ट गालियों का था, तो आखिर सलमान खान ने एल्विश यादव से ये बात क्यों कही। दोस्तों ये बात इसलिए कही क्योंकि 4 साल पहले एल्विश यादव सलमान खान की एक मूवी को रोस्ट करते हुए कह रहे थे कि हमारे देश में बहुत ही ज्यादा चूतिए भरे पड़े हैं जो सलमान खान की लॉजिकलेस फिल्मों के लिए 500 रुपए ऐसे ही खर्च कर देते हैं। और इस वीडियो में एल्विश यादव ने सलमान खान की जमकर बजाई थी। और अब जिस तरीके से सलमान खान वीकेंड का वार पर एल्विश यादव को ऐसे ही पैसों का ताना मारते हुए दिखाई दिए, तो सीधा सीधा साफ नजर आ रहा था कि सलमान खान उनसे अपनी पर्सनल ग्रजेज निकाल रहे हैं। बस बेबिका तो एक बहाना थी और बेबिका के बहाने उन्होंने एल्विश यादव की बैंड बजा डाली। और दोस्तों यही कारण है कि एल्विश यादव की आर्मी अब सलमान खान के बुरी तरीके से पीछे लगी हुई है और भर भर कर इंस्टाग्राम पर सलमान खान की पोस्ट पर गालियां दे रही है। और साथ ही दोस्तों जब से एल्विश यादव की सलमान खान ने क्लास लगाई है, तभी से सलमान खान के इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए हैं। इससे पता चलता है कि एल्विश यादव की आर्मी एल्विश यादव से कितना प्यार करती है और सलमान खान को एल्विश यादव के साथ ये पंगा महंगा पड़ने वाला है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि अगले वीकेंड का वार पर क्या सलमान खान इस एल्विश वर्सेस सलमान खान की वॉर को कंटिन्यू रखते हैं या फिर सलमान खान एल्विश यादव से हंसी मजाक के साथ पैचअप कर लेते हैं। ये तो दोस्तों वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है एल्विश यादव और सलमान खान की इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक।